विदिशा जिले के पठारी थाना अंतर्गत ग्राम विसरही में एक 23 वर्षीय युवक बहादुर सेन पर ग्राम के ही कुंवर सिंह कुर्मी ने लाठियों से प्रहार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के संबंध में प्रभारी थाना प्रभारी शैलेंद्र नायक ने बताया कि फरियादी कल्लू पिता बाबूलाल सेन ने पठारी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी ग्राम के कुंवर सिंह कुर्मी से पुरानी रंजिश चल रही है। आज सुबह जब उसका पुत्र 23 वर्षीय बहादुर सेन गांव में शादी के निमंत्रण देकर सरकारी भवन के पास बैठा हुआ था, तभी कुंवर सिंह कुर्मी हाथ में लाठी लिए आया और आते से ही उसने बहादुर को सिर में लाठी से प्रहार कर दिया एवं शरीर के अन्य भागों में भी उसने लाठी से प्रहार किया, जिससे बहादुर घटना स्थल पर ही बेहोश हो गया, जिसे उसके पिता गंभीर हालत में पठारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के दौरान डॉक्टर ने बहादुर को गंभीर हालत होने की वजह से विदिशा जिला अस्पताल रेफर कर दिया। ASI शैलेंद्र नायक ने आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया है। विदिशा पठारी से आशीष सहले की रिपोर्ट। अस्पताल पठारी से सूचना प्राप्त की एक व्यक्ति घायल अवस्था में आया है, तो जिसकी सूचना पर अस्पताल पहुँच कर देखा तो ग्राम बिसराही का बहादुर सेन उम्र 23 साल के सिर में चोट थी, जो बेहोशी हालत में था। उसके पिता कल्लू सेन से पूछताछ की गई, जिसने बताया कि उसकी गांव में कुंवर सिंह कुर्मी से पुरानी बुराई थी, जिस कारण उसने प्राणघातक चोट पहुँचाई, जो रिपोर्ट पर धारा 307 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया और टीम गठित कर मात्र 3 घंटे में धारा 307 का आरोपी कुंवर सिंह कुर्मी को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय पेश किया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।